धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा अपने भक्तों के बीच रहती हैं और उन पर विशेष कृपा करती हैं। वर्ष में चार बार नवरात्रि आती है, जिनमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वैसे तो नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना करने का विधान है, लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का संबंध भगवान श्री राम से भी है। शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। वहीं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी नवरात्रि के नौवें दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस दिन रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी का पर्व बेहद खास है और इसका भक्तों के बीच बड़ा महत्व है। इस दिन लोग राम भक्ति में डूब जाते हैं। रामनवमी पर पूरे भाव और विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा आराधना की जाती है। अयोध्या में हुआ था श्री राम का जन्म। अयोध्या के महाराज दशरथ की तीन रानियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को सलाह दी कि वह एक अनुष्ठान को सावधानी पूर्वक करें, जिसकी सफलता के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ के अंत में दशरथ को संतान प्रदान करने वाला प्रसाद मिला, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा में बांट दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम जन्म की प्रतीक्षा समाप्त होने की तिथि आ पहुंची। योग लगन तिथि और वार सभी अनुकूल हो गए। चारों ओर खुशहाली दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि सारे जगत को सुख देने वाले भगवान श्री राम के जन्म का वह दिव्य समय आ गया था। शीतल मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। सभी देवता अपने विमानों पर चढ़कर अयोध्या के आकाश में आ गए। वे हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और आकाश से फूल बरसने लगे। अचानक कौशल्या जी का कमरा दिव्य रोशनी से भर गया। धीरे धीरे यह रोशनी सिमटकर शंख, चक्र, गदा, पद और वनमाला में बदल गई। भगवान विष्णु के रूप में ये दिव्य शक्ति दिखाई दी। माता कौशल्या ने भगवान का दर्शन किया और बहुत देर तक उनको निहारती रही। जब कुछ होश आया तो माता ने भगवान विष्णु की स्तुति की। माता कौशल्या ने स्तुति के बाद भगवान विष्णु से कहा कि आप इस दिव्य स्वरूप को समेट कर नवजात शिशु के रूप में आ जाएं और मुझे अपनी बाल लीलाओं का आनंद दें। माता कौशल्या की विनती भगवान ने स्वीकार कर ली और भगवान विष्णु शिशु रूप में आ गए। महल में भगवान के रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही हर ओर हलचल मच गई, क्योंकि धरती को पाप से मुक्त करने के लिए, मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए भगवान श्री राम आ चुके थे। दासियों ने पूरी अयोध्या में समाचार फैला दिया। संपूर्ण अयोध्यावासी आनंद में झूम उठे। महाराज दशरथ पुत्र जन्म का समाचार सुनकर ब्रह्म आनंद में खो गए। महाराज ने गुरु वशिष्ठ के पास संदेश भिजवाया और उन्होंने भगवान का जात कर्म संस्कार करवाने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही केकई के एक पुत्र और सुमित्रा के दो जुड़वा पुत्र हुए। समय आने पर गुरुदेव ने उनका नामकरण किया, जिसके बाद दशरथ नंदनों का राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से जाना जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम के जन्म से पहले भी चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन उस दौरान केवल माँ भगवती की उपासना की जाती थी। जब भगवान राम ने चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को जन्म लिया तो माता जगत जननी जगदम्बा के साथ भगवान श्री राम की भी आराधना का प्रचलन शुरू हो गया। कैसे मनाई जाती है रामनवमी? रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला की पूजा की जाती है। रामलला की प्रतिमा का अभिषेक कर उसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित कर धूप दीप दिखाया जाता है। भगवान को शुद्ध देशी घी से बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। रामनवमी के दिन पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म बड़ी
ही धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाते हैं। पूरे अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया जाता है। मान्यता है कि रामनवमी के दिन माँ भगवती और श्री राम की पूजा पूरे विधि विधान से करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके जीवन से कष्टों का नाश होता है। रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्र का समापन हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।